Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam from Medina Park. Alhamdulillah. तो अभी मैं जा रहा हूँ, गोसल करके आया हूँ। मैं जा रहा हूँ मदीना पाक में हूँ। मैं रोज़ रसूल जा रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं अंदर जा के वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ से एक हसीन मंज़र दिखा दूँ। देखिए माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, एक बार सुभान अल्लाह कह दें। सुभान अल्लाह, सब्ज गुंबद माशाल्लाह। आए फिर आपको अंदर के जलवे दिखाते हैं मदीना पाक के मस्जिद नबी शरीफ के। माशाल्लाह मैं मदीना पाक के अंदर आ गया हूँ हरम शरीफ में और यहाँ पे देखिए कितना प्यारा नज़ारा है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, सब्ज गुंबद सुभान अल्लाह माशाल्लाह। तकरीबन रात के 11:30 बज चुके हैं और अभी भी माशाल्लाह लोग बहुत ज़्यादा हैं। अब यहाँ से मैंने बैक साइड पर जा के एंट्री करने की उधर से कोशिश करूँगा अंदर, ताकि मैं अंदर मस्जिद नबी शरीफ में जा के बैठ सकूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं मस्जिद नबी शरीफ के अंदर आ गया हूँ। यहाँ के मनाजिर आप देख सकते हैं, सुभान अल्लाह माशाल्लाह, खुशबुएं दूर दूर तक इस्तेमाल करती हैं। माशाल्लाह गुम्बद देख लें, सब्ज गुम्बद लेफ्ट साइड पे है, बैक साइड पे है, बट मैं अभी ये मीनारों के पास ही दस मैंने जाना है उस साइड पे, तो रास्ता बहुत घूम के आना पड़ेगा घंटे, क्योंकि मैंने जाना है अंदर और ये सारा रास्ता वुमेंस के लिए और इस साइड पर सारा रास्ता वुमेंस के लिए था। अब मैं यहाँ से घूम के वहाँ जाऊँगा, वहाँ से फिर इंशाल्लाह अंदर जाने की कोशिश करूँगा। मैं अंदर गया था मैं तो वहाँ से जगह नहीं थी जहाँ मैंने जाना है। अब यहाँ से बैक साइड पर जाने की मैं देख लूँ, कोशिश करता हूँ अल्लाह करे जगह मेरे से। अभी मैं यहाँ आके बैठ गया हूँ यहाँ पर ना मस्जिद नबी शरीफ के अंदर। यहाँ उन्होंने पर्दा लगाया हुआ है, 1 बजे खोलेंगे, बट जहाँ मैंने जाना था वो उधर ममनू है, वो बंदा पाकिस्तानी मिला वगैरह आप जा नहीं सकते। जब आप 2018 में आए तब बात और थी, अब तो हर 5 मिनट बाद रूल चेंज हो जाता है। तो मैं तो बड़ा उदास हो गया हूँ, मैं सोचा था मैं जाऊँगा सब जालियों के नीचे बैठूँगा, इबादत करूँगा, दो सलाम पढ़ूँगा, तो अब तो बहुत मुश्किल है वहाँ जाना वगैरह। वहाँ पे भी एक पर्दा लगा दिया, वहाँ पर भी नहीं जा सकते आप। तो अब देखते हैं क्या करते हैं, यहाँ पर ही बैठा हूँ मैं इधर सब लोगों के पास ही, तो इंशाल्लाह जैसे ही ओपन होता है फिर मैं अंदर जाता हूँ। जिस जगह मैंने बैठना था वहाँ तो मुझे जगह नहीं मिली, तो बट अभी अर्ली मॉर्निंग है, फजर की नमाज़ पढ़ ली, तो मैं जा रहा हूँ जन्नतुल बकी में। ये जन्नतुल बकी का सुबह सुबह का मंज़र है, तो मैं जन्नतुल बकी एंटर हो गया हूँ। तो इस दरवाज़े से यहाँ एंटर हुआ तो बहुत ही ज़्यादा रश है, तो अल्हम्दुलिल्लाह भी चलते हैं। लेफ़्ट साइड में मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊँगा जहाँ पर आपको मैं जहाँ पर अहले बैत की कब्र मुबारक है, तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह दिखाऊंगा। अभी एक जन्नतुल बकी की कब्र मुबारक है जहाँ पर सहाबाग्राम, बहुत ज़्यादा सहाबाग्राम की कब्र मुबारक हैं, तो इंशाल्लाह भी चलते हैं आगे। मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी कब्र है, बट मुझे नाम तो नहीं याद कि किस किस की कब्र कहाँ कहाँ है, क्योंकि कब्रस्तान बहुत बड़ा है, जन्नतुल बकी बहुत बड़ा कब्रस्तान है, और बट अहले बैत की कब्रें मुझे पता है कहाँ पर है, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। ये जंगला देख रहे हैं, जंगले की लेफ्ट साइड पे, बैक साइड पे, जंगले की बैक साइड पे है अहले बैत की कब्रें, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगा मैं जहाँ पर आपको दिखाऊंगा और थंबनेल पे लगा दूंगा कि किसकी कब्र कहाँ पर है। इंशाल्लाह जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से मैं बताऊँगा। बाकी ये जो सारी कब्रें हैं मुझे नहीं पता है किनकी कब्रें हैं किनकी नहीं कब्रें, बट ये है कि सहाबा किराम की कब्रें हैं, बहुत सारे सहाबा किराम इस जन्नतुल बकी में मदफन है सब्ज गुंबद के बिल्कुल सामने अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक यहाँ को, यहाँ पर इस कब्रिस्तान में सबको आने की और दफन होने की तौफीक दे। खुश नसीब हैं जो शख्स जो है मुस्लिम लोग यहाँ रहते हैं और मरते हैं और यहाँ ही दफन हो जाते हैं, तो बट अल्लाह पाक उनकी ख्वाहिशें, जिस जिसकी ख्वाहिश है यहाँ मरने की यहाँ दफन होने की, अल्लाह पाक उसकी ख्वाहिश को पूरा करे। और बाकी ये है कि लेफ़्ट साइड पर सारा कब्रिस्तान है, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, अल्लाह पाक सबको हाजिरी का मौका दे। जन्नतुल बकी में भी आए वो शख्स, माशाल्लाह सारा जन्नतुल बकी है, वो देखिए कितने ज़्यादा लोग हैं, वो लाश देकर जा रहे हैं, देखिए पीछे रोज़ा रसूल सुभानअल्लाह माशाल्लाह। जन्नतुल बकी है, किसका दिल नहीं करता यहाँ दफन होने को, देखिए माशाल्लाह सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बस फिर यहाँ से सीधा एग्जिट कर रहे हैं।
यहाँ सेलिब्रेट करेंगे राइट साइड में। मुकामी लोकल लोग भी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, जाएंगे राइट साइड में। ये भी मेरे ख्याल से कब्र बना रहे हैं किसी की, ईंटें रखी हुई इन्होंने यहाँ, पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। ये देखें यहाँ पे भी कब्र बनी है, और ये भी मेरे ख्याल से कब्र है, इन्होंने उनको शहीद कर दिया मेरे ख्याल से। और वो लोग वहाँ से इस साइड पे आ रहे हैं, वो देखिए वो पता नहीं क्या कर रहे हैं वहाँ पर, शायद भी किसी को दफना रहे हैं। बाहर आ गए जन्नत अलबकी से, इस साइड पर सारे होटल्स हैं और जन्नत अलबकी, बट दो साइड ना जन्नत अलबकी में एक राइट साइड भी थी और लेफ्ट साइड पे, मैं लेफ्ट साइड वाली साइड पे आया था। अब मैं कल सुबह यहाँ जोहर की नमाज के बाद फिर दोबारा जाऊँगा राइट साइड पे, जहाँ बी फातिमा जहरा की कब्र मुबारक है और हज़रत